तो हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप लोग YouTube पर नए हैं, आपको अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र में खोलते नहीं बनता है, यानी कि आप अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउज़र पर ओपन नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउज़र में कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको ऐसे टेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र में नहीं खोल पाते हैं, तो आप अपने किसी भी वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन नहीं लगा सकते हैं, या फिर आई बटन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और आप कई ऐसे काम हैं जो कि क्रोम ब्राउज़र पर अपना चैनल खोलने के बाद ही अपने वीडियोज़ पर अपने चैनल पर आप कर सकते हैं। और जो अपने चैनल का पूरा एनालिटिक्स होता है, वो भी आप अपने क्रोम ब्राउज़र से ही जा करके देख सकते हैं, यानी कि क्रोम ब्राउज़र से अपने चैनल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र पर अपने चैनल को लॉगिन करना या अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र पर खोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र में कैसे खोलना है। तो अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र में खोलने के लिए आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आपको youtube.com स्टूडियो, देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको ये सर्च करना है youtube.com स्टूडियो। इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको अपने क्रोम को डेस्कटॉप में खोल लेना है, यहाँ से ऐसे फिर ऊपर करना है और डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन इसमें ओके कर देना है। फिर हल्का सा जूम करना है, फिर यहाँ है ऑप्शन यूट्यूब स्टूडियो का, तो इसमें आपको क्लिक नहीं करना है। आपको आना है नीचे साइन इन यूट्यूब पर, ये ऑप्शन है साइन इन यूट्यूब का, इस पर ओके करना है। तो ये इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो आपका चैनल वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, आपको इसमें यहाँ पर ओके कर देना है। फिर आपको आना है वीडियो वाले ऑप्शन में, ये वीडियो का ऑप्शन है, तो आपको इसमें ओके करना है। फिर आपको यहाँ कोने में राइट साइड ये क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर ओके करना है। फिर अपलोड वीडियोज में ओके करना है, और फिर यहाँ से सेलेक्ट फाइल पर ओके करेंगे तो यहाँ पर फाइल से जा करके अपने वीडियो पिक कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।